अमृता इतनी अपसेट क्यों है? मैं टीसी लेकर कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ। टीसी? रुक रुक, क्यों, क्या हुआ? विक्रम की हैरेसमेंट ज्यादा हो गई थी, पापा ने प्रिंसिपल से कंप्लेंट भी की थी, पर कल रात को विक्रम घर आया था। कौन है आप लोग? प्रिंसिपल से कंप्लेंट तूने की थी? हाँ, की थी। ए, क्या कर रहे हो? पापा, एजी, क्या हुआ? विक्रम, ए, मुंह खुला तो मार डालूंगा। मैं परवाना हूँ, शम्मा जलेगी तो परवाना आएगा और उसे बुझा जाएगा। खूबसूरत लड़की पैदा करके तेरा बाप बोलता है छेड़ो मत। तू क्या है? अगर शेर के सामने शिकार रखेगा तो क्या देखता रहेगा? वो उस पर अटैक करेगा। दोबारा मेरी कंप्लेन की ना, तेरा बाप नहीं रहेगा। भाई, अमृता ने अपनी फ्रेंड्स को सब कुछ बता दिया। विक्रम, उसने अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता दिया। बोला था ना किसी को कुछ मत कहना, फिर भी बोल दिया, ये क्या कर लेगी? विक्रम, बिहेव योरसेल्फ, ये सही नहीं है। तू क्यों बोल रही है? तेरे घर आऊं क्या? तेरे घर आऊं? बुलाऊं? बोलना। बोलना, आओ ना। हाँ बोल। ए, अपने भाई को कोई मार रहा है? भाई लोग, विक्रम को कोई मार रहा है। Thank you so much. By the way, I'm Sweetie. Side, please. हमारी नई डील का प्रोजेक्ट डायमंड हाईवे, इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, लेंथ 10,000 किलोमीटर, कॉस्ट 1,60,000 करोड़। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक, ये प्रोजेक्ट पूरे देश को कनेक्ट करेगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट को टाइम पर खत्म करते हैं तो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में हमारी कंपनी नंबर वन होगी। डैडी, वी हैव अ सिचुएशन। क्या है? आपने अर्जुन पवार का नाम सुना है डैडी? अर्जुन पवार, द लिकर किंग ऑफ इंडिया। इंडिया में 60% शराब का बिजनेस उसी का है। हाँ।
Come to the point. वो इस प्रोजेक्ट में हमारा कॉम्पिटिटर है। इसमें गलत क्या है? आने दो उसे। उसका आना सही नहीं है डैड। हमें मटेरियल सप्लाई करने वाली सारी कंपनियों को उसने खरीद लिया है, हमारे चार इंजीनियर्स को भी खरीद लिया है, उनमें से एक ये रहा। हम उसके टारगेट है डैड। पवार हमारी कंपनी के पहले से बैकबोन रहे हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जेपी से भी मिला था। ये प्रोजेक्ट हम आपको नहीं दे सकते। कारण? आपका बैकग्राउंड। और क्या है वो? किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कोर्ट केसेस और लिकर का बिजनेस। शराबियों को हम हाईवे पर नहीं घूमने देते, तो आप शराब बनाने वालों को कैसे आने दे सकते हैं? यस, यू आर राइट, 100% राइट। लोग मेरा नाम सुन के डरते हैं। मेरे हाथों में पावर है, पैसा भी बहुत है। जो नहीं है वो है रेस्पेक्ट। बस उसके लिए ही इस फील्ड में आना चाहता हूँ। लेकिन आप तो आना चाहते हैं एक बहुत ही बड़े प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट में, लेकिन आपके उस प्रोजेक्ट में आने से उसकी प्रेस्टीज खत्म हो सकती है। खत्म नहीं होगी वो प्रेस्टीज। आपकी एक बेटी है और मेरा एक भाई है, दोनों की शादी करा देंगे, फिर एक हो जाएगी आपकी और मेरी प्रेस्टीज, और फिर ये प्रोजेक्ट खुद बखुद मेरे पास पहुंच जाएगा। You are talking too much. Security! Security क्या होती है मैं दिखाता हूँ। यहाँ कुछ लोग रास्तों पर चलते हैं और कुछ लोग रास्ते बनाते हुए चलते हैं, मेरी तरह। देखो, मैं बस मीटिंग के लिए आया हूँ। तो कितने लोग मारे गए सोचो, अगर दुश्मनी करोगे तो लाशें ही लाशें होंगी। बाय द वे, ये मेरे भाई हैं, ये मुझसे छोटा और ये सबसे छोटा, आपका दामाद। ससुर जी, विश हिम। हाय ससुर जी। ओ, खून शह। खून से शुरू हर संबंध बहुत मजबूत होता है, कोई नहीं तोड़ सकता। गले मिलो ससुर जी। अपनी होने वाली वाइफ से मिलो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ओके। जेपी साहब, प्रेस्टीज से ज्यादा जान की कीमत होती है। मेरे लिए जान से ज्यादा प्रेस्टीज की कीमत है। नमस्ते सर। उस पवार का भाई आ कब रहा है? कल आ रहा है, देख लो। अब जाके कर ले शादी। हमारा ये प्रोजेक्ट हाथ में लेते ही अश्वेत नारायण वर्मा डिस्टर्ब हो गया है। हमने उसके इंजीनियर को डराया था, पर उसने अश्वेत नारायण वर्मा को कंप्लेंट कर दी। हमें अंदाजा भी नहीं था कि वो हमसे ऐसे बदला लेगा। ये उसके लड़के ने किया है। वार्निंग दिया तो वॉर स्टार्ट कर दिया। वायलेंस उसके लिए मजबूरी है, लेकिन मेरा शौक है। बताता हूँ, दोनों को बताता हूँ। यू आर द अल्टीमेट गुरु। पहले मैं प्यार से बड़ा दूर दूर रहती थी, पर तुमसे मिलने के बाद करीब आने का मन करता है। तुमने दिल चुरा लिया। ये बताओ, तुम्हारा प्यार छीनने वाले को तुमने छोड़ क्यों दिया? चलो मिलकर उससे बदला लेते हैं।
it, sir. बेटे को मार दिया, अब ये मेरी बहू को ले जाने आया। हमें बचा लो। तेरे बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसे ले जाकर अपने घर में रखूंगा ताकि तेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। हट जा। तेरे बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसकी आंखों में कभी तुम आंसू मत आने देना। वादा करो मुझसे कि तुम इसे खुश रखोगे।
कहा था ना कि स्वीटी मनहूस है, पर ये मनहूस नहीं है, लक्ष्मी है। अगर ये पनौती ही होती तो आपका भाई जिंदा नहीं बचता, आपके घर में कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। आप भगवान पत्थर में देखती हैं, जबकि वो इंसानियत में होता है। अफसोस। पापा चलिए, आप चलिए। क्या हुआ? वो देखिए, पवार का भाई आ रहा है। इनमें से एक भी जिंदा ना बचने पाए। लड़की को लेकर आओ। अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि यही मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरी जिंदगी है। मैंने इसे बहते आंसुओं के साथ छोड़ दिया था, पर अब मैं इसे जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अगर किसी ने इसे दुख दिया या इसकी आंखों से एक भी आंसू निकला तो मैं उसे काट के रख दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है, इसे कोई ऐसे ही उठाकर ले जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे होते हुए इसे कोई छू भी नहीं सकता। डैडी, डैडी,
मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी बेटी हमारी बहू बनेगी तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन तूने तो हमारी थाली में जूठन परोस दिया और उस गंदगी को उठाने के लिए तूने उस लड़के को भेजा। मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा को सरेआम नीलाम करने के लिए तूने हमारे खानदान की प्रतिष्ठा को दाग लगाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। बेटी ने मरकर मेरी इज्जत बचा ली, लेकिन तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या करूं तेरा? आप भले ही मुझे और डैडी को मार दीजिए, बस गगन और उसके परिवार को कुछ मत कीजिए प्लीज। क्या? मेरी इज्जत नीलाम करने वाले को मैं बख्श दूं? भैया, है कोई चीज़? उसकी वजह से आज आप जिंदा हैं। ये उसका प्यार है, मत मारिए इसे। पवार, जब तक वो मेरे घर की बहू थी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसने उस लड़के का हाथ थामा हमारे लिए वो बाजारू हो गई। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हट मेरे रास्ते से। सर, प्लीज मेरी बेटी को मत मारिए, छोड़ दीजिए उसे। रुक जाओ भैया, अनर्थ हो जाएगा। मार डालो। सर प्लीज, रुक जाओ। खत्म कर दो उसे। रुक जाओ भैया, मैं बोल रही हूँ रुक जाओ। मार डालो उसे। ने कहा था स्वीटी की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए, तुम लोगों ने रुलाया उसको, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहा था मेरा प्यार झूठा है, लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो लोग लाइफ नहीं छोड़ते, लोग प्यार को ही छोड़ देते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। प्यार किया है तो पूरी तरह निभाऊंगा। जैसा प्यार मैंने अपनी माँ से किया, अपने पापा से किया और अपने भाई से किया, वैसा ही प्यार मैं इससे भी करूंगा। मैंने कसम खाई है कि मैं इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मारना पड़े, काटना पड़े या कुछ भी करना पड़े। कोई हाथ तो लगाकर दिखाए इसे। आज तुमने इसे रुलाया, आज सब मरेंगे, एक एक करके आ जाओ। तूने कहा था मेरे पूरे खानदान को मारेगा, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। जब जब इस दुनिया में तुझ जैसे राक्षस पैदा होते रहेंगे, तब तब उसे खत्म करने के लिए मुझ जैसे लोग पैदा होंगे। अगर मैं अपने प्यार के लिए जान दे सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ, और आज मैं तेरी जान लूंगा।
इज्जत जान लेती है और मोहब्बत जान देती है तो बड़ा क्या है। तुम अपनी शान और शौकत आलीशान जिंदगी अपने गर्व और इज्जत को जिंदगी समझते हो। जानते हो मेरी जिंदगी क्या है? मेरे परिवार का प्यार। तो बड़ा कौन हुआ? तुमने सिर्फ इस लड़की को मारने के लिए अपने बेटे के हत्यारे से हाथ मिला लिया। कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अब किस बात का घमंड है? जा, छोड़ दिया। देखो कितने लोग आए तुमसे मिलने। जाओ मिलो उनसे जाकर, सब तुम्हारे अपने। बेटा शादी के कार्ड पर तुम्हारा नाम स्वीटी लिखना है या कुछ और? कुछ और सोचा है तो बता दो। स्वीटी। अरे वाह, क्या नाम है स्वीटी, बहुत ही स्वीट नेम है।